हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि यूके में रहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, जिन पे बीआरपी होता है स्पेशली, तो बीआरपी बंद होने जा रहा है 2024 के दिसंबर से। तो 1 जनवरी 2025 से कोई बीआरपी नहीं चाहिए, सिर्फ ई वीज़ा देंगे यूके गवर्नमेंट। तो आपको कोई अलग से पासपोर्ट के साथ आपको अलग से कोई कार्ड कैरी नहीं करना होगा, क्योंकि यार ये सही बताऊँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर सही बताऊँ। पर इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। किसी का बीआरपी खो जाता था तो उसको फाइन देना पड़ता था, किसी का बीआरपी चोरी हो जाता था, तो बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। और आपको पासपोर्ट के साथ एक बीआरपी कार्ड अलग से कैरी करना पड़ता था। जैसे और कंट्रीज में तो पासपोर्ट में स्टैम्प मार देते थे वीज़ा का, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो आपको वीज़ा होता है वो अलग से कार्ड मिलता है, ठीक है। तो वो आपको अलग से कैरी करना पड़ता था, मतलब आपको दो डॉक्यूमेंट, एक तो पासपोर्ट और एक आपका बीआरपी। तो बीआरपी बंद होने जा रहा है और ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। एंड यस, 1 जनवरी से आपको कोई बीआरपी कैरी नहीं करना है, सिर्फ अपना पासपोर्ट कैरी करना है। एंड बस आप लोगों को ये न्यूज़ शेयर करनी थी। और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए और यूके से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, मतलब हर चीज़ यार मैं हर चीज़ कवर करूँगा, ठीक है, ए टू जेड। यहाँ की जो अपडेट्स होती हैं स्टूडेंट्स रिगार्डिंग, वीज़ा से रिगार्डिंग, और यहाँ की चीज़ें कैसे होती हैं, तो मैं हर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, एंड जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।